हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा शर्मा की प्यारी दुनिया में आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं आज न्यू वीडियो लेके आई हूँ इस टॉपिक में, जो लोग पार्लर न्यू खोलना चाहते हैं। आप लोगों के पास बजट बहुत ही कम है मगर पार्लर खोलना भी है, आप लोगों के पास हुनर है, आप वो हुनर को बंद करके नहीं रखना चाहते हैं, आप वो हुनर को दिखाना चाहते हैं इंसान को, आप वो हुनर को काम अपने काम में लगाना चाहते हैं। तो मेरा कहना है, अगर आप लोगों के पास हुनर है तो उसे बंद करके मत रखिए। हाउस वाइफ हो या कोई भी हो, उसे बंद करके ना रखें, उस हुनर को इस्तेमाल करें, ज़रूर इस्तेमाल करें और एक ना एक दिन आप लोग सफल जरूर होगी। तो इसी के साथ मैं पार्लर में न्यू अगर पार्लर खोलना चाह रही हो तो उसके साथ आप लोगों को क्या क्या ज़रूरत है, तो आज मैं दो टॉपिक के लिए आप लोगों के लिए ये वीडियो बना रही हूँ। दो टॉपिक में बोलूँगी। एक है थ्रेडिंग करने से आपको क्या सामान चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है पार्लर में। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हम लोग को थ्रेडिंग करना, ठीक है? पहले उसी से शुरुआत होता है, उसी से कस्टमर आपके पास आते हैं। तो उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ चाहिए, एक थ्रेडिंग और एक है हेयर कटिंग। तो हेयर कटिंग के लिए भी आप लोगों को क्या क्या चाहिए तो वो मैं आज आप लोगों को दिखाने वाली हूँ, और बहुत ही कम में, सस्ते में आप इसे खरीद के खोल सकते हैं अपना पार्लर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी आईब्रो के लिए, थ्रेडिंग के लिए। फेस पे हेयर आईब्रो थ्रेड होता है तो उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ चाहिए। पहले तो चाहिए ये बैंड, फेस बैंड। फोरहेड करने से ये बैंड हमें इस तरह से लगा के किया जाता है, तो ये बैंड बहुत ही ज़रूरी है, ये आपका काम आएगा। तो ये बैंड आप लोग ले सकते हैं, ज़्यादा नहीं, बस आपसे अगर आप कुछ होलसेल मार्केट में जाओगे तो आपको 15-20 में ये एक ठो मिल जाएगा। उसके बाद ज़रूरी है थ्रेडिंग, आईब्रो सूता, ऑर्गेनिक का मैंने लिया है, आप भी यही खरीदिए क्योंकि मैं इसे यूज़ करती हूँ अपने पार्लर में, बहुत ही हेल्पफुल है, आप भी यही यूज़ कीजिए। ये आप एक डब्बा खरीदोगे तो आपको 8 पीस आ ही जाएगा, और ये भी आपको कम बजट में ही मिल जाएगा, इस तरह का आएगा, ग्रीन कलर का। उसके बाद चाहिए हमें पाउडर, पाउडर बहुत ज़रूरी है, वो पाउडर चाहिए थ्रेडिंग करने के बाद। सीजर चाहिए, ये ऐसा सीजर बहुत ही डिज़ाइन के मिलते हैं, एक काफ साइड के भी मिलते हैं, आपको जो इस्तेमाल आप कर सकते हो उसी हिसाब से आप एक सीजर खरीद लो। एक ब्रश चाहिए थ्रेडिंग करने के बाद, ऐसा स्टाइलिश ब्रश आपको बहुत मिलेंगे थ्रेडिंग करने के बाद, आप इस तरह से ब्रश कर सकते हो, तो ऐसा आपको जैसा सुविधा हो, बहुत ही स्टाइल, बहुत ही डिज़ाइन के मिलेंगे ये ब्रश, तो ऐसा एक ब्रश ले लीजिए। उसके बाद आईना भी बहुत ज़रूरी है हमारे पार्लर में, मैं जानती हूँ बड़ा आईना रहता है मगर उसमें हम जब आईब्रो करते हैं कस्टमर को तो उसमें वो लोग देख के सेटिस्फाई नहीं होते, तो एक छोटा सा आईना बहुत ही ज़रूरी है, आपको 10-15 में एक छोटा आईना भी मिल जाएगा, आप वो भी ले लीजिए। आईब्रो करने के बाद उसके बाद हमें लगाना है लोशन, एक क्रीमी लोशन होता है और एक है टोनर, आप किसी को भी इस्तेमाल कर सकते हो, और एक आता है एस्ट्रिन जेल जो एंटीसेप्टिक होता है, आप उसे भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये है थ्रेडिंग का। तो मैं वीडियो आज तो मैंने बात किया है सिर्फ आईब्रो थ्रेडिंग के लिए आपको क्या क्या चीज़ चाहिए, नेक्स्ट बार मैं कटिंग के लिए भी दिखाऊंगी आप लोगों को कि कम बजट में आप किस तरह कटिंग का सामान खरीद सकते हैं। और एक बात कि अगर आपके पास हुनर है तो उसे कैद करके मत रखिए, आप कहीं भी रहते हैं, कहीं भी गली में, कहीं भी गाँव में, कहीं भी छोटे से शहर में, कहीं भी छोटे से गाँव में, छोटे से जगह में, अपने ये हुनर को इस्तेमाल कीजिए। अगल बगल अड़ोसी पड़ोसी भी उसे बुला के आप अपने ये हुनर को चलाते रहिए तो अच्छा होगा, और इस हुनर को कम से कम बजट में चलाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर बोलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में नए नए से वीडियो, नए नए से आपके लिए टिप्स लेके। तो चलिए बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट कौन सा वीडियो देखेंगे आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट कर दीजिएगा, तब तक के लिए बाय बाय, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।